सिक्स क्लास आपका द्वितीय पाठ है कर्त क्रिया संबंध। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्ता का क्रिया के साथ संबंध आपको यहाँ पर रीड करना है और आपको कुछ याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है। कुछ देखिए आप पिक्चर के माध्यम से समझ जाइएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बालकः पठति, तो बालकः पठति यहाँ पर कितने बालक हैं? एक बालक है। तो हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो बालकः पठति मतलब बालक पढ़ता है। इसी प्रकार देखिए सेकंड पिक्चर है आपको, यहाँ पर कितने बालक दिखाई दे रहे हैं आपको? दो दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? बालकौ पढ़तः। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कितने बालक हैं? दो बालक हैं, तो दो बालक पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप नीचे देखिएगा, यहाँ एक से और दो से अधिक है अर्थात तीन है, तो बहुत सारों के लिए क्या आ जाएगा? बालका। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बालका पठंती, तो यहाँ पर आप संख्या न लिखते हुए कैसा लिखेगा? बहुत से बालक पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको अजवाब हिंदी में लिखना है। अब नेक्स्ट देखिए अश्व धावती, कितने अश्व दौड़ता है? एक। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? एक घोड़ा दौड़ता है या घोड़ा दौड़ता है, ऐसा लिखोगे आप। फिर इसके बाद में देखिए सेकंड पिक्चर, सेकंड पिक्चर में आपको दिया हुआ है कितने घोड़े हैं यहाँ पर? दो। तो क्या लिखा हुआ है? अश्व धावतः। तो अनुवाद में आपको लिखना पड़ेगा कि दो घोड़े दौड़ते हैं। इसके बाद में आप लास्ट में देखिएगा अश्वाह धावंती, कितने अश्व यहाँ पर? बहुत से हैं, मतलब एक और दो से अधिक हैं, इसलिए क्या आ गया यहाँ पर बहुत सारे के लिए? अश्वाह आ गया। तो इसका अनुवाद क्या लिखिएगा आप? अश्वाह धावंती मतलब बहुत से घोड़े दौड़ते हैं। तो आपको याद क्या रखना पड़ेगा कि अश्व यानी क्या होता है? घोड़ा होता है। पट यानी क्या होता है? पढ़ना होता है। और जैसे बालकौ लिखा है तो कितने बालक हैं? दो है। बालकः लिखा हुआ है तो कितने बालक हैं? एक है। तो इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा कि पठंती मीन्स क्या होता है, बालकौ मीन्स, अश्व मीन्स, तो ये जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे आपको पढ़ते बन जाएगा और अनुवाद लिखते भी बन जाएगा। इसके बाद में आगे देखिएगा क्या दिया हुआ है, मयूरः नृत्यन्ति, नृत्यन्ति यानी होता है नाचना, मयूर यानी मोर, तो यहाँ पर कितने मोर नाच रहा है? एक मोर नाच रहा है। तो क्या लिखोगे अनुवाद में? मयूरः नृत्यन्ति मतलब मयूर नाचता है, मोर नाचता है। इसके बाद में देखिए सेकंड, सेकंड में कितने मोर है यहाँ पर? दो। तो मयूरौ नृत्यते, तो इसका अनुवाद क्या लिखोगे? दो मोर नाचते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे दो से अधिक हैं, इसलिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे? मयूराः नृत्यन्ति, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? बहुत से मोर नाचते हैं। तो इस प्रकार से आपको अनुवाद लिखना है। अब इसके बाद अन्य वाक्य दिया हुआ है आपके, इसमें अन्य वाक्य दिया हुआ है, तो अन्य वाक्य में देखिए, जैसे अन्य वाक्य का भी अनुवाद आपको ऐसे ही लिखना है, सैनिकः रक्षति, सैनिक मतलब सैनिक और रक्षति यानी होता है रक्षा करता है, तो इसका भी एक है, एक सैनिक है, तो क्या हो जाएगा अनुवाद लिखेंगे तो? एक सैनिक रक्षा करता है या सैनिक रक्षा करता है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। उसके बाद में देखो सैनिकौ रक्षतः, कितने सैनिक यहाँ पर? रक्षतः आ गया, तो दो सैनिक रक्षा करते हैं, कितने सैनिक? दो सैनिक रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से थर्ड देखिए सैनिकाः रक्षन्ति, तो यहाँ पे कितने सैनिक हैं? दो से अधिक हैं, इसलिए सैनिकाः आया है, मतलब बहुत से सैनिक रक्षा करते हैं, ऐसा अनुवाद आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए गजः गच्छति, गज यानी होता है हाथी, तो गच्छ यानी होता है जाना, तो अनुवाद करेंगे हम इसका हाथी जाता है, क्या हो जाएगा? एक हाथी जाता है। इसके बाद गजो गच्छतः, कितने हाथी जाता है? दो हाथी
जाते हैं और गजाह गच्छन्ति बहुत से हाथी जाते हैं। इसी प्रकार देखिए नरा पिप्ति, पिप्ति शब्द आया, पिब याने होता है पीना, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे नरा पिप्ति मतलब नर पीता है। इसके बाद में नरो पिप्तः दो नर पीते हैं। इसके बाद में नराह पिबंती बहुत से नर पीते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद में देखिए छात्रः क्रीडति, क्रीड याने होता है खेलना, छात्र तो छात्र खेलता है। इसके बाद में छात्रौ क्रीडतः कितने छात्र, दो छात्र खेलते हैं। इसके बाद में देखिए छात्राः क्रीडन्ति बहुत से छात्रे सॉरी बहुत से छात्र खेलते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए बालकः पश्यति, पश्याने होता है देखना, तो बालक देखता है, बालकः पश्यतः दो बालक देखते हैं, और बालकः पश्यन्ति बहुत से बालक देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका अनुवाद यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। जब आप लिखोगे कॉपी में तो पहले संस्कृत लिखना, उसके बाद में हिंदी में अनुवाद लिखिएगा, और आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सब इसका मतलब क्या होता है।